इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात सिर्फ अंध वक्तों की ही करेंगे। किस तरह एहसान फरामोश होते हैं, इसकी बेहतरीन मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। फलस्तीन और इसराइल की जंग जारी है। बेबस फलस्तीनियों पर दहशतगर्द इसराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है, जिसमें मासूम बच्चे, औरतें, मर्द शहीद हो रहे हैं। खैर, इन तमाम की कुर्बानियां जाया नहीं होंगी, पर भारत में कुछ अंधभक्त हैं जिन्हें इसराइल के साथ खड़े होने का जज्बा पैदा हुआ है। इसराइल का यहूदी हो या भारत का संघी, दरअसल सिक्के के ये दो पहलू कह सकते हैं। खैर, इसराइल का यहूदी इनकी तरफ तवज्जो भी नहीं देता, ये और बात है, पर यहाँ के संघियों को खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि महज मुसलमान मारे जा रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि अगर कोई ब्रिटेन या अमरीका भी मुसलमानों को लेकर मुखालिफ फैसले लेते हैं तो यह यहाँ के अंधभक्तों को खुशी होती रहती है। यहूदियों से इनकी पुरानी यारी तो है ही, क्योंकि संघियों का डीएनए इन्हीं यहूदियों से मिलने की बात से पहले भी साबित हो चुकी है और बारह इसका जिक्र मुख्तलिफ तंजीमें जैसे बाम से बहुजन मुक्ति मूल निवासी ने बताया। आपको याद होगा तो यह भी बताता चलूं कि आज जो स्टैंड विथ इसराइल का नारा ये लगा रहे हैं, यही वो लोग थे जो भारत के तमाम शहरी अंग्रेजों के खिलाफ जंग आज़ादी लड़ रहे थे। तब भी इन्होंने इसी तरह का नारा लगाया था कि स्टैंड विद ब्रिटिश, और अंग्रेजों की चापलूसी करते रहे। और इन अंधभक्तों को जिल्लत की जिंदगी जीने की आदत पड़ी हुई है। और अगर तारीख की औराक पलट कर देखते हैं तो आपको साफ नजर आएगा यह आतंकी इसराइल के साथ नहीं, हमेशा ताकतवर के साथ होते हैं। जब मुगल ताकतवर थे तो मुगलों के तलवे चाटते रहे, जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों की गुलामी में दिल लगाकर करते थे, तभी तो अंग्रेजों के मुखबिरी के बाद कईयों को वीर का लकब हासिल हुआ। इसी तरह हिटलर ताकतवर था तो हिटलर की तारीफ करते ये लोग थकते नहीं थे, और अब इसराइल की गुलामी का इनके ऊपर नशा चढ़ा हुआ। ये किसी एक के नहीं होते, जो कोई ताकतवर होता है इसकी जय जयकार करते हैं। इसराइल फलस्तीन जंग में भी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। आज ही इसराइल के वजीर आजम ने, जिन्होंने भी इसराइल का साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा किया और भारत का नाम नहीं लिया। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ट्रंप के लिए तो भारत के अंधभक्तों ने पूजा पाठ हवन भी किया था, पर हमेशा भारत का मजाक ट्रंप की जानिब से उड़ाया जाता रहा। आज अमेरिका ब्रिटेन की जानिब से भारत में कोरोना के मद्देनजर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। कहते हैं अगर कोरोना का कहर देखना है तो किसी अस्पताल या शमशान घाट मत जाओ, अगर तुम्हें यह मंजर देखना है तो उस गंगा नदी के किनारे जाओ जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मुझे गंगा ने बुलाया और मैं गंगा का बेटा हूं। कहां है वो ढोंगी बाबा, ढोंगी योगी जो उत्तर प्रदेश को लेकर झूठी बातें करता रहता है। सैकड़ों हजारों लाशें जिन्हें चील, कौवे और कुत्ते नोच रहे हैं, जीते जी इंसान को सुकून की जिंदगी तो जीने नहीं दिया और मरने के बाद चील, कौवे और कुत्तों के हवाले कर दिया, और भक्त है के महज मुस्लिम दुश्मनी पर खुश होते दिखाई दे रहे हैं। पर ये भक्त इतने बेशर्म है, मुस्लिम दुश्मनी में दोबारा थूक चाटने में इन्हें मजा आता है। अब थोड़ा यहूदी एहसान फरामोशी का भी जायजा लेते हैं। कुछ तस्वीरें पुरानी हैं जो स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिटलर हुकुमशाह जिसने जर्मनी से यहूदियों को मार मार के भगाया था, कि हिटलर की जालिमाना दास्तानों को बयान करते हुए इस वाक्य का खास जिक्र करते हैं कि उसने गैस चैम्बर में यहूदियों को डालकर जहरीली गैस को छोड़ा था, जिसमें लाखों यहूदी एक साथ मारे गए थे। यह भी कहा जाता है कि कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ दिया गया था कि दुनिया को पता चले कि मैंने, यानी कि हिटलर ने आखिर इन्हें क्यों मारा। खैर, जहाजों पर सवार होकर इधर उधर भटकने लगे मुख्तलिफ मुल्कों के साहिल पर भी यहूदियों के जहाज पहुंचते इन्हें वहां से भगाया जाता, दुनिया के किसी भी देश में इन्हें पनाह देने से इनकार किया। यह तस्वीर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह 1943 की है, जिसमें हिटलर ने बचे हुए यहूदियों को जर्मन से भगाया था। अमरीका, फ्रांस, क्यूबा, कैनेडा और भी मुल्कों ने इन्हें अपने मुल्क में दाखिल होने पर मना किया था और यहूदी यानी ज्यूज के खचाखच भरे जहाजों को वापस किया था। यह तस्वीर 1943 में फलस्तीन के है। आखिर में पना वजीर बनकर फलस्तीन के पास हाथ जोड़ने लगे और अपने जहाज पर इन्होंने बैनर लगाए थे कि जर्मनी ने हमारे घरों और खानदानों को तबाह किया है, आप हमारी उम्मीदों को तबाह न करें। आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में बैनर लगा हुआ है, द जर्मन्स डिस्ट्रॉयड अवर फैमिलीज एंड होम्स, डोंट यू डिस्ट्रॉय अवर होप्स। वैसे मुसलमान बुनियादी तौर पर रहमदिल होता है। जिस जगह पर आज इसराइल है यह पूरा मुल्क फलस्तीन था, पर रहमदिल फलस्तीनी मुसलमानों ने इन यहूदियों को पनाह दी और नई जिंदगी भी दी, अपना घर बार जमीन सब कुछ दिया। पर एहसान फरामोशी जिनके लहू में होती है
वो अपना रंग दिखाते ही वक्त चलते ही उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुव्वत को बढ़ाने लगे और फलस्तीन के साथ लड़कर जगहों को हथियाने लगे। तकरीबन आप मौजूदा फलस्तीन को देखेंगे तो फलस्तीन की जगह कम और इसराइल का तसल्लुत ज्यादा हो चुका है। मुसलमानों का भी यह अलमिया है कि पिछले कई सालों से इसराइल जुल्म जबर की बुनियाद पर हर शरारत में कुछ हिस्सा फलस्तीन का कब्जा कर ही लेता है और तमाम मुस्लिम ममालिक महज एहतजाज दर्ज करने से कुछ नहीं करते। तकरीबन 60 के करीब ममालिक तमाशा ही बने हुए हैं और आज भी यही नजर आ रहा है। भारत की मीडिया हमास की जवाबी कार्रवाई को दहशतगर्द साबित करती है और इसराइल की सेना की कार्रवाई कहकर यहूदी गुलामी की मिसाल पेश करने में लगी हुई है। अब तो सुदर्शन जैसे भड़वे तो आओ इसराइल का साथ दे के प्रोग्राम चला रहे, यही वो सुदर्शन है जिसने मुस्लिम नौजवानों पर यूपीएससी जिहाद जैसे प्रोग्राम बनाकर अपने मुस्लिम दुश्मनी की आग बुझाने की कोशिश करता रहा। मैं सुदर्शन ही नहीं, दूसरे न्यूज चैनलों में भी इसराइल की मोहब्बत को जाहिर करने का गोया मुकाबला लगा हुआ रहता है। और वैसे भी संघी चड्डियों का इसराइल से पुराना रिश्ता रहा है। तेल अवीव में भी संघ के दफ्तर की बात कही जाती है। आज जो अंधभक्त उछल उछल कर इसराइल की हिमायत में ट्वीट कर रहे हैं, इन्हें खुद विदेशी मीडिया कह रही है कि पहले अपने घर वालों के लाशें उठाओ फिर इसराइल के साथ खड़े हो जाना। लकड़ियां न होने की बिना पर गंगा में लाशों को बहाया जा रहा है और अंधभक्त है कि इसराइल के दहशतगर्दाना हमले पर खुशियां मना रहे, अपने बाप की लाश उठाने की तौफीक नहीं और मुस्लिम दुश्मनी में इसराइल का जय जयकार लगाने में लगे हुए। कहने का मतलब, जर्मन के तानाशाह हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारकर कुछ यहूदियों को छोड़ा था ताकि इन्हें मरने की वजह दुनिया को मालूम हो, इसका इल्म अभी सबको हो रहा है। आखिर किस हद तक यह यहूदी एहसान फरामोश कौम है। और अब अंधभक्तों के बारे में भी कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। यह तो इस भारत की खुशकिस्मती है कि यहाँ अक्सर लोग सेक्युलर भाईचारे में विश्वास रखते हैं। तभी तो धर्म की बुनियाद पर नफरत का जहर घोलकर इख्तदार की कुर्सी हथियाने की कोशिशों को नाकाम करते हैं। लिहाजा मुल्क के तमाम सेक्युलर भाइयों को सलाम जिन्होंने हमेशा यहूदी एजेंडे को नाकाम किया और भारत के लोकतंत्र को बचाया, वरना यहूदी की नस्ल तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। पर भारत की बहुजन और मूल निवासियों ने इनकी साजिशों को पहचाना है और इसी का नतीजा हमने बंगाल चुनाव में देखा है। बंगाल चुनाव से इतना तो जरूर भरोसा हुआ है कि भारत में रहने वाले यहूदी कभी कामयाब नहीं हो सकते और यही बात इस लोकतंत्र के मजबूती की दलील है। अब मकामी खबरों पर एक नजर। बेलगाम शहर में आज मुस्तकिल बारिश रही। अरबी समंदर में तौते नामी तूफान की आमद हुई है। गोवा के किनारे जल्द पहुंच रहा है, इनके गोवा के करीब भी ये तूफान पहुंच चुका है। समुद्री साहिल किनारों पर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। बंबई पर इसका ज्यादा असर होने की बात कही जाए, लिहाजा बेलगाम में भी इसका असर देखने को मिला। सुबह से बारिश रही, कारोबार ठप रहे। एक और यहाँ पर फिक्र की बात है कि जब कोरोना का दौर जारी है तो इस बारिश का असर कोरोना के मरीजों पर कितना होता है, क्या मौतों के आंकड़ों में और इजाफा हो सकता है, ये भी एक बात है। कोरोना के मद्देनजर इसी तूफानी मौसम का असर भी देखा गया। हासिल इत्तला के मुताबिक मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा होता जा रहा है। तूफान का असर शहर में रहा तो सूरज की शुआएं कहीं पर भी नजर नहीं आई। काफी हद तक सर्दी महसूस की जा रही है, पर अंजुमन की बरियल टीम ने ऐसे माहौल में भी अपने खदमात को अंजाम दिया। रात में काफी देर तक भी तदफीन जारी रही। ऐसा नहीं कि महज कोरोना के ही मैयतों की तदफीन हो रही है, बल्कि कई उम्र रसीदा बुजुर्गों की भी मौत वाकई हुई है। देर रात तक बारिश में तदफीन के कामों को अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि कब्रों के अंदर पानी भरा हुआ रहता है और ये जो तदफीन करने वाली जो टीम है अंजुमन की, वाकई ये काबिले दीद है कि इन्होंने जो है ऐसे मुश्किल दौर में, यानी कि बारिश के दौर के अंदर, बारिश जब रात भर गिरी और पूरा दिन रही, ऐसे दौर में भी उन्होंने इस तदफीन के काम को अंजाम दिया। कॉर्पोरेटर बाबूलाल मुजावरा के जेर निगरानी तदफीन को अंजाम दिया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीछे इतना बारिश हो रहा है। लोग इतने मर रहे हैं, ऊपर से बारिश का कह रहे हैं। आज हमारे को ये बरेल टीम आज तकरीबन 24 घंटे में कम से कम 24 से 25 मौतें हो गई है और लगातार ऐसे मौतें हो रही है और बारिश भी चालू है और हमारे को दफन करने में इतनी किल्लत आ रही है और हमारे जो ये वर्कर्स है जो फ्रंट लाइन पे आकर जो काम कर रहे हैं, हम सबसे गुजारिश है कि सब जन इनके लिए भी दुआ करो कि इनके सेहत अच्छी रहे और आगे काम कर सके।
सुल्तान नगर के एक ईसाई शख्स जॉर्ज की मौत के बाद इसकी तदफीन के लिए कोई भी नजदीक नहीं आ रहा था, तो इसकी इत्तला जब अंजुमन के सदर जनाब आसिफ रजू सेठ को हुई तो अंजुमन बरेल टीम ने टीपू सुल्तान नगर के ईसाई कब्रस्तान में जाकर इसे रस्म रिवाज के साथ तदफीन को अंजाम दिया। वाजह रहे कि अंजुमन बेलगाम तमाम हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी मजाहिब की मैयतों को उनके मजहबी रसूमात के मुताबिक तदफीन या अंतिम संस्कार कर रही है। एक और इत्तला के मुताबिक बढ़ते मरीजों और मौतों के मद्देनजर और मरने वालों को लेकर कईयों के घर वालों की जानिब से दूरियां को देखते हुए कारपोरेशन शमशानों को अपने मातहत लेने की तैयारी कर रही है। मुसलमानों के लिए तो अंजुमन बेलगाम के पास बरेल टीम है, लिहाजा सिर्फ शमशान को ही कारपोरेशन अपने जेर मातहत लेने का फैसला लिया गया। और आगे यह भी कहा कि अगर कोई इसमें रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रहमान फाउंडेशन कन्नूर की जानिब से ईद उल फित्र के मौके पर पुलिस सरकारी मुलाजिम और ट्रक ड्राइवरों के लिए खाने के पैकेट्स का इंतजाम किया गया। गोका गटप्रभा कन्नूर में तकरीबन 200 के करीब खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। रहमान फाउंडेशन कन्नूर की जानिब से गरीब जरूरतमंद अवाम और पुलिस इंतजामिया जो लॉकडाउन में दिन रात अपने खदमात अंजाम दे रही है इन्हें तकसीम खाने के पैकेट्स दिए गए। इनके इस खिदमात पर इन्हें सराहा जा रहा है। महज वादों स्कीमों योजनाओं का ऐलान यही मरकजी और रियासी हुकूमत का काम रह गया। ऑक्सीजन नहीं बेड नहीं पर ऑक्सीजन प्लांट के वादे किए जा रहे हैं। बेलगाम में भी ऑक्सीजन प्लांट के कायम का ऐलान तो किया जा रहा है पर वो कब अमल में आएगा इस पर अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सैकड़ों लाखों लोग मर चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी कोई इसका ठोस जो है फैसला नहीं नजर आ रहा। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने भी ऑक्सीजन प्लांट के कायम का ऐलान किया था पर अब तक किसी तरह के कोई प्लांट के कायम का अमल नजर नहीं आ रहा। रेमडेसिविर के बारे में भी इसी तरह की जुमलेबाजी की जा रही है। तकरीबन 3.5 लाख लोगों को राशन तकसीम की भी बात कही जा रही है पर क्या इतना राशन तकसीम काफी है? क्या महज 3.5 लाख लोगों को राशन देने से तमाम आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या इतने ही लोग हैं? अब फिर से 10 किलो चावल देने का फैसला किया गया पर जो भी हो आवाम की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं और मदद इमदाद बहुत काफी कम है उसके मुकाबले में या कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद भी अखबार वाले भाजपा की इमेज चमकाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। लॉकडाउन को और बढ़ाने की बात कही जा रही है। जून के बाद लॉकडाउन को थोड़ा थोड़ा रियायत देने की भी बात रियासत की जानिब से की जा रही है। यानी अभी फिलहाल लॉकडाउन खत्म होने के इम्कान नहीं है। रब कवि बनहट्टी में एक बार फिर मुस्लिम नौजवानों ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते हुए इंसानियत का पैगाम दिया। जबकि एक हिंदू शख्स की मौत के बाद इसके अंतिम संस्कार के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था, लिहाजा PFI की जानिब से हिंदू शख्स को उनके मजहबी रसूमात को अंजाम देते हुए अंतिम संस्कार को मुकम्मल किया गया। गाँव के लोगों ने इनकी इस खिदमात पर इन्हें सराहा, लिहाजा PFI की जानिब से यह बताया गया कि किसी तरह की वाहवाही या मीडिया में मंजर आम पर आना हमारा मकसद नहीं था बल्कि इंसानियत के पैगाम को आम करना, महज इसी मकसद से इस काम को अंजाम देने की बात कही गई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया अल्लाह। इस वक्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो खिदमत चल रही है मैं उस पर अपनी जमात की तरफ से जो हमें खिदमत का मौका मिल रहा है, जो पॉजिटिव के केसेस आ रहे हैं उसमें एक दूसरे को हाथ लगाना भी एक दूसरे के लिए बड़ा एक मुद्दा बन गया है। ऐसी हालत में हमारे ब्रदर्स आगे बढ़कर तजीज़ो तकसीम का काम कर रहे हैं और ये जो काम है बगैर तफरी के मसले को मज़हब है, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जा रहा है बल्कि एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते हर एक की खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है। और इस काम को करने में कोई हमारी तारीफ करे ये भी हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है।